दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा, प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विथ वार्म हॉस्पिटलिटी, दालान रिसोर्ट शुक्ला नगर चिकनी सोनकी रोड दरभंगा, अक्रॉस 10 acres, रेस्टोरेंट, बैंकवेट हॉल्स, लॉन्स, पूल। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में, अग्रवाल परिधान फैशन की नई पहचान, साड़ी लहंगा मेंस वियर लेडीज एंड किड्स वियर सूट और सूट पीस। दरभंगा में बिरौल पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतर जिला गिरोह के कोढ़ा गैंग का किया पर्दाफाश, बिरौल में डेरा जमाकर आसपास समेत कई जिलों में लूटपाट को दे रहा था गिरोह अंजाम। बिरौल पुलिस ने कोढ़ा गैंग के एक बड़े अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गैंग के अपराधी कई महीनों से बिरौल में भाड़े का मकान लेकर रह रहा था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड सनी यादव को पुलिस ने दबोच लिया है। एक अन्य गुर्गे के साथ वह पकड़ा गया है, जबकि इसका लाइनर अब भी पुलिस की पकड़ से फरार बताया जा रहा है। मगर बिरौल पुलिस ने थाना क्षेत्र में बढ़ते छिनतई की घटनाओं का उद्भेदन कर लिया है। इसका खुलासा करते हुए SDPO मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि अपराध कर्मियों की धरपकड़ के लिए कोठी पुल चौक SH-17 मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। इसी समय सहरसा की ओर से एक बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR06AAF5541 पर दो सवार व्यक्ति आ रहे थे, जो पुलिस बल को देखकर पुनः सहरसा की तरफ लौटकर भागना चाहे। इसी समय पुलिस बल के सहयोग से दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस निगरानी में लेते हुए नाम पता पूछा तो एक ने सनी यादव और दूसरे ने अंकित कुमार बताया। थाना कोढ़ा जिला कटिहार का निवासी खुद को बताया, तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक एक लोडेड देसी कट्टा और 315 बोर की जिंदा कारतूस बरामद की गई। दोनों से सघन पूछताछ की गई तो ये लोग बैंक की अवधि में वहां जाकर खड़े होकर बैंक से राशि लेकर निकलने वाले ग्राहक को पीछा कर सुनसान जगहों, भीड़भाड़ जगहों पर पैसा छीना झपटी कर पुनः लौट जाने की बात इन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार की। दोनों लोगों ने विभिन्न तिथि को बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार पोल्ट्री फार्म से 40,000 रुपया, सुपौल बाजार से 1,00,000 रुपया, सुपौल बाजार PNB बैंक के आगे ग्राहक के झोले से 1,00,000, सुपौल बाजार से 20,000, घनश्यामपुर थाना अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास से 75,000 समेत कई लूटी गई राशि के बारे में जानकारी दी है। गोली मारकर चेन छीनने वाले दो अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरे मामले में SSP ने इसका खुलासा करते हुए बताया है कि गोली मारकर चेन स्नेच करने वाले गिरोह के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं दोनों अपराधियों ने पिछले दिनों मिठनपुरा के रामबाग इलाके में एक व्यक्ति से चेन छीनने के दौरान उसे गोली मार दी थी। पुलिस के अनुसार दोनों की पहचान अहियापुर के मंटूलाल एवं नगर थाने के करीब गरीब स्थान इलाके के अभिषेक आर्या के रूप में हुई है। SSP राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों के पास से लूटा हुआ सोने का चेन, मंगटीका, एक देसी पिस्टल और जिंदा गोलियां बरामद की हैं। इस तरीके के अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, कहते हैं SSP। ताबड़तोड़ छापेमारी कर अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, यह भी कहा SSP ने। तो फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। ग्राहक बनकर पहुंचे अपराधियों ने लूटे 15,00,000 के जेवरात, शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स में दिन दहाड़े लाखों की लूट। लूट की बड़ी वारदात की यह खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान शिव लक्ष्मी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स में भीषण डकैती को दिन दहाड़े अंजाम दे दिया है।
अपराधियों ने लाखों के जेवरात लेकर वहां से फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है। सभी अपराधी स्कूटी पर सवार होकर ग्राहक के वेश में दुकान में घुसे और 15 लाख के गहने लेकर चलते बने। वारदात खगौल रोड स्थित मीठापुर की है, जहां दिन दहाड़े दोपहर 12 बजे अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक शिशिर कुमार को चकमा देकर माल साफ कर लिया। मामले की जाँच में जक्कनपुर थाने की पुलिस जुट गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सभी अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की थी और आराम से दुकान में घुसे, फिर उसी आराम से वहां से निकल भी गए। मामले में दुकानदार ने थाने को आवेदन दिया है। अपने आवेदन में दुकानदार ने कहा है कि दो अपराधी जिनकी उम्र 40 वर्ष के करीब थी, दुकान में घुसकर जेवरात उन्होंने साफ कर डाला। 15 लाख के गहने दुकान से गायब हैं। पहले इन अपराधियों ने चांदी का एक 10 ग्राम का सिक्का खरीदा, फिर सोने का टॉप्स खरीदने के लिए बात कही। इसी क्रम में वह बातों में फंस गए। दोनों अपराधी सभी जेवरात समेट कर चलते बने। पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुटी है और CCTV खंगाला जा रहा है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। Searching for all round development of your words in here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jeevas Ghat. Nursery to grade 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, Joyful and Digitized Learning Environment, Thematic and STEM-based Integrated Curriculum, Admission Open, Join the Center of Academic Excellence. बिहार का पहला इंस्टीट्यूट जहां गुरुजी OP राय शिक्षा से पहले संस्कार को रखते हैं सर्वोपरि। गर्ल्स एवं बॉयज क्लास सेपरेट ताकि बच्चे गलत राहों पर न जाएं। भारत का पहला प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहां प्रैक्टिकल क्लास होता है। बोर्ड एग्जाम में 100% गेस टकराते हैं, 100% सिलेबस पूरा होता है। नीट क्लास तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेपरेट क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, डॉल्बी साउंड के साथ फुल्ली AC, मात्र 500 रुपए महीना पढ़ाई। इससे अच्छी और सस्ती पढ़ाई पूरे भारत वर्ष में कहीं नहीं। धर्म एक ही है, मत कई प्रकार के, बोले सत्यनारायण दा। श्री श्री ठाकुर की वाणी को घर घर तक पहुंचाना है उत्सव का उद्देश्य। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म महोत्सव 5 मार्च को वेद मांगलिक प्रभात फेरी व भव्य शोभा यात्रा से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। उक्त बातें परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शुभ 135वें जन्म महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ सह प्रति ऋत्विक सत्यनारायण दा ने कही। आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सत्संगी शिक्षाविद डॉक्टर शिवकिशोर राय ने कहा कि श्री श्री ठाकुर परम प्रेम के संवाहक हैं, साथ ही उनके दर्शन में व्यक्ति के बचने व बढ़ने का मूल मंत्र सन्निहित है। शोभा यात्रा सत्संग नगर भैरोपट्टी से चलकर दोनार नाका नंबर 5 मिर्जापुर शास्त्री चौक स्टेशन रोड होते हुए सत्संग नगर भैरोपट्टी को लौटेगी। मौके पर सत्संगी उगंदा ने बताया कि श्री श्री ठाकुर के दिव्य जीवन एवं भावधारा से अवगत होकर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन को सजाते हुए नर नारी दीक्षा से उपनीत होकर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकेंगे। जन्म महोत्सव के अंतर्गत धर्म सभा के उद्घाटनकर्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप दरभंगा एम्स के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर माधवानंद कार की महती उपस्थिति में होगा। संवाददाता सम्मेलन में राम इकबाल दा, तारकेश्वर दा, कृष्ण मुरारी दा, वेद प्रकाश दा, अर्जुन चौधरी दा, सुबोध दा, उमा दा, सुरेश दा, सुनील दा, उज्ज्वल दा सहित कई अन्य गुरु भाई एवं माताएं उपस्थित थीं। अगले 5 मार्च हम लोगों के लिए पावन दिवस है। उसी दिन हम लोग परम प्रेम में जुगा बता श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का जन्म महामहोत्सव मनाएंगे। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, श्री श्री हमारे आचार्य देव देवघर से उनके आदेशानुसार हम लोग परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी के 135वें जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में
भैरवपट्टी सत्संग मंदिर कैंपस बगल में स्कूल के भी कैंपस है, उसमें सुबह 4:30 बजे से लेके संध्या काल तक 5 मार्च दिन रविवार को हम लोग महामहोत्सव मना रहे हैं। उसमें आप लोग के माध्यम से हम तमाम गुरु भाई जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आए, सत्संग में भाग लेके अपने जीवन को कृतार्थ करें, जीवन बचाएं, साथ ही अपने तो आए ही आए, अपने अड़ोस पड़ोस परिवार के नाता रिश्ता सब लोग को लेके आए ताकि सबका जीवन का रक्षा हो पाए। हमारे ठाकुर जी एक प्रेम का संवाहक है, संवाद है उनका, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो जो लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ धर्म सभा के कार्यक्रम है, मातृ सम्मेलन के कार्यक्रम है, सुबह में क्लस ये शोभा यात्रा भी हमारा है, यहाँ से मंदिर कैंपस से शोभा यात्रा निकलेगा 5 नाका होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए, स्टेशन होते हुए, फिर मंदिर प्रांगण में आएंगे, और धर्म सभा में यहाँ धर्म सभा के उद्घाटन करता हमारे मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के मिथिला संस्कृत यूनिवर्सिटी के VC साहब, एम्स के जो निर्माण होना है नए एम्स दरभंगा, उनके डायरेक्टर महोदय, और भी बड़े बड़े लोग, हमारे देवघर से आशीर्वाद मिला है, जो कलकत्ता से हमारे गुरु भाई लोग आ रहे हैं। विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम लोग अपने वर्तमान आचार्य देव, जो सत्संग नगर देवघर में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, के आशीर्वाद से अपने इष्ट जीवन के उद्धाता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का हम लोग 135वां जन्मोत्सव मनाने 5 मार्च को मनाने जा रहे हैं। शादी करने गया दूल्हा वरमाला के बाद स्टेज पर ही हुआ बेहोश, अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई मौत, घटना के बाद जिसने भी सुना दांतों तले दबा ली उंगलियां। यह सीतामढ़ी का अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां शादी करने गया दूल्हा वरमाला के बाद स्टेज पर ही बेहोश हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौत का कारण भी हैरान कर देने वाला सामने आया। दरअसल बारात जब दरवाजे पर पहुंची तो DJ रथ से निकल रही तेज आवाज से दूल्हे को घबराहट महसूस हो रही थी। दूल्हे ने कई बार DJ बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच वरमाला की रस्म भी हुई। परिजन स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, अचानक इतने में दूल्हा गिर पड़ा। परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर गए। प्राथमिक इलाज के बाद उसे सीतामढ़ी रेफर किया गया। परिजन उसे सीतामढ़ी लेकर गए, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृत युवक की पहचान परिहार इलाके के मनिथर गांव निवासी स्वर्गीय गुदर राय के पुत्र सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।